नए संसद भवन में महिला आरक्षण विधेयक के पेश किए जाने से कुछ समय पहले इस आने वाले विधेयक के संबंध में संभावनाओं के आधार पर जो कुछ भी संदेह जताते हुए कहा था, तो वे काफी कुछ इस बिल के पेश किए जाने के बाद सही साबित हुए हैं, क्योंकि इस महिला आरक्षण से संबंधित संविधान के 128वें संशोधन विधेयक 2023 के अंतर्गत देश में लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में भी 33% महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के कुछ प्रावधान इसमें इस प्रकार से बनाए गए हैं, जिसके तहत अगले काफी वर्षों तक, अर्थात लगभग 15-16 वर्षों तक, यानी कि कई चुनाव तक देश की महिलाओं को ये आरक्षण प्राप्त नहीं हो पाएगा। और इस विधेयक में ऐसे जो प्रावधान रखे गए हैं, तो उनका मैं यहाँ उल्लेख करना बहुत जरूरी समझती हूँ। और इस संशोधन विधेयक के तहत, इस महिला आरक्षण विधेयक के पास होने के बाद, पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी। जब ये बिल पास हो जाएगा हाउस में, पार्लियामेंट में, तो पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी। पास तो हो जाएगा ये, लेकिन तुरंत लागू नहीं होगा। और पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी, और जब ये जनगणना पूरी हो जाएगी, तो तब उसके पश्चात ही पूरे देश में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का परिसीमन पुनः कराया जाएगा। इसके बाद फिर परिसीमन होगा, सीटों का कराया जाएगा, और उसके बाद ही तब ये महिला आरक्षण संबंधी संशोधन विधेयक लागू होगा। और ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि देश भर में नए सिरे से जनगणना कराने में अनेकों वर्ष लग जाते हैं। पिछली जनगणना सन 2011 में प्रकाशित हुई थी, जिसके पश्चात आज तक पुनः जनगणना नहीं हो सकी है। ऐसी स्थिति में संविधान संशोधन के तहत इस नई जनगणना में, जिसमें अनेकों वर्ष लग जाएंगे, तो तब फिर उसके बाद ही पूरे देश में परिसीमन का कार्य शुरू किया जाएगा, जिसमें भी अनेकों वर्ष लग जाएंगे। और इस परिसीमन के पश्चात ही तब फिर ये महिला आरक्षण विधेयक लागू होगा। जबकि 128वें संशोधन विधेयक की सीमा ही 15 वर्ष रखी गई है। इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि ये संशोधन विधेयक वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देने के साफ नियत से नहीं लाया गया है, बल्कि आने वाली विधानसभाओं तथा लोकसभा के चुनावों में देश की भोली भाली महिलाओं को ये प्रलोभन देकर वे उनकी आंखों में धूल झोंककर उनका वोट हासिल करने की नीयत से ही लाया गया है। इसके सिवाय कुछ भी नहीं है, जैसा कि इसमें कंडीशंस रखी गई हैं, इसको लागू करने से पहले जो शर्तें रखी गई हैं। और यदि ऐसा नहीं है, ये कहते हैं ऐसा नहीं है, और यदि ऐसा नहीं है, तो फिर हमारी पार्टी सरकार से ये भी अनुरोध करती है कि सरकार इस विधेयक में से या तो इन दोनों प्रावधानों को निकाले, या फिर कुछ ऐसे उपाय तलाशे
जिससे इस विधेयक के तहत महिलाओं को जल्दी आरक्षण का लाभ मिल जाए। इसके साथ साथ यहाँ मैं इस बात की भी केंद्र सरकार से पुनः ये अपील करती हूँ कि 33% महिलाओं के आरक्षण के अंतर्गत SC ST को जो आरक्षण दिया जाए तो उसे वर्तमान में लागू आरक्षण के अतिरिक्त दिया जाए, यानी कि जो पहले से इनको SC ST को जो आरक्षण मिल रहा है तो जो इनको 33% SC ST की महिलाओं को जो आरक्षण देना है, तो अभी तक क्या इसमें व्यवस्था है कि जो पहले से इनको SC ST को मिल रहा है तो उसमें से 33% इनको दिया जाए महिलाओं को, और उसको 33% में जो अब लाया जा रहा है इंक्लूड किया जा रहा है, इससे हमारी पार्टी सहमत नहीं है। बल्कि इनको ये आरक्षण अलग से दिया जाना चाहिए, 33% में दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही देश की OBC वर्गों की महिलाओं का भी इस महिला आरक्षण विधेयक में अलग से आरक्षण का कोटा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जो सामान्य वर्गों की महिलाओं की तुलना में ये अभी भी काफी पिछड़ी हुई है, और यदि इन सभी वर्गों की महिलाओं के आरक्षण के मामले में यानी कि SC ST और OBC की महिलाओं के आरक्षण के मामले में मेरी इस अपील पर सरकार अमल नहीं करती है तो भी हमारी पार्टी इस बिल का इस खास बात को ध्यान में रखकर समर्थन करती है कि देश में पुरुषों की तुलना में सर्व समाज की महिलाएं अभी भी काफी पिछड़ी हुई है। ये वीकर सेक्शन की तो पिछड़ी है, लेकिन पुरुषों की तुलना में जो सामान्य महिलाएं वो भी काफी पिछड़ी हैं। जबकि महिलाओं के मामले में वास्तव में सच्चाई तो ये है कि इन्हें अभी तक जो भी अधिकार मिले हैं, जनरली महिलाओं को जो भी अधिकार मिले हैं, तो वे अधिकांश हिंदू कोड बिल के तहत परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों से ही मिले, जिसे उस समय कांग्रेसी सरकार ने इसे पूरे तौर से पास नहीं होने दिया था, जिसे फिर बाद में टुकड़ों टुकड़ों में पास किया गया। इतना ही नहीं, बल्कि इन वर्गों की महिलाओं को अलग से आरक्षण दिए जाने के मामले में पूर्व में केंद्र की रही कांग्रेसी सरकार द्वारा लाए गए बिल में भी इसकी व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसके कारण उस दौरान ये बिल पास नहीं हो सका था। लेकिन अपने राजनीतिक लाभ के लिए अब इस पार्टी के भी नेता यानी कि कांग्रेस पार्टी के भी नेता इन वर्गों की महिलाओं को अलग से आरक्षण दिए जाने की बात कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि देश की महिलाओं को लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में इनको आरक्षण देने के मामले में BJP व कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोगों की पूरे तौर से नियत साफ नहीं है, और ये सभी पार्टियां इसकी आड़ में केवल इनका वोट हासिल करने के लिए अपने अपने स्वार्थ की राजनीति कर रही हैं और कुछ भी नहीं। इसलिए देश की महिलाएं ऐसी सभी पार्टियों से जरूर सावधान रहें, जिनसे इन्हें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है।